बसमीम्स वरमि वबरक़ू दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारे खरीय से होंगे मैं मोहम्मद इसमाईल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्ज़त की अजात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं जितने मुसलमान हैं अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताल उनकी परेशानी को दूर फरमाए जो बीमार हैं अल्लाह ताली उनको कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए और जो आपके हक के अंदर बेहतर हो अल्लाह ताली सबको वो अता फ़रमाए दोस्तों सो दफ़ा ऐसे होता है कि बज़ दफ़ा जिसमानी निज़ाम मतदल होता है ठीक होता है लेकिन सर के अंदर हरारत की ज्यादी होती है सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या जिसम बिल्कुल ठीक ठाक हो होता है लेकिन पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं या पाँव बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इसकी वजूहत क्या हैं ये किस वजह से होता है और उसका बेहतरीन आसान और सादा सा इलाज क्या है कहवा जात की शक्ल में यानी कहवा बनाकर अगर आपका सर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है अगर आपके पाँव ठंडे हो रहे हैं तो आपने क्या इस्तेमाल करना है पाँव गर्म हो रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करना है इनशाला आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूं इस किस्म की वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी बहुत सारे नुस्खेजात आपने सुने होंगे कि अगर पाँव ठंडे हों तो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए पाँव गर्म हो तो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए तो आज मैं आपको वजह भी बताऊंगा किस वजह से ये होता है और कहवे के साथ उसका इलाज क्या है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए अगर आप इन कहवाजात को इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो जाए तो आपका हक बनता है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को जिन लोगों के साथ ये मसाइल हों वो इस मसले को बनाकर इस्तेमाल करें कि इससे प्रापर फ़ायदा उठा सकें तफसल में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें अगर कोई दोस्त खालस रोन बल्सान जंगली शहद जाफ़रान सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें मेरे नंबर्स पर राबता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं मेदे का मसला हो तेज़ाबियत अल्सर का मसला हो जनाना मरदाना किसी भी किस्म का आपको मसला है दिल के अमराज़ का मसला है आप मशवरा लेना चाहते हो नुस्खा पूछना चाहते हों या दवा लेना चाहते हों तो इन नंबरस पर वाट्सअप भी है टेलीग्राम भी है किसी भी नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके सारी की सारी डिटेल मालूम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों नुस्खा क्या है कैसे उसको बनाना है कैसे इस्तेमाल करना है तफसील के साथ मैं आपको बताए देता हूँ जी तो दोस्तों अगर आपका सर गर्म है तो उसकी वजह यह है कि दिमाग और आसाब के अंदर मर्ज़ है और बलगमी मिजाज की वजह से रतूबात की कसरत है इस वजह से सर गर्म हो जाता है बाकी जिसमानी निज़ाम ठीक होता है तो उसके लिए आपने ऐसे करना है कि लौंग दारचीनी का कहवा बना लें वो इस्तेमाल कर लें या बाजू और कमर को दबवा लें नंबर दो अगर आपके पैर ठंडे हैं तो उसकी वजह यह है कि दिल और उजलाद के अंदर मरज है और सौदावी मिजाज की वजह से खुशकी की कसरत है तो उसके लिए आपने अजवाइन और पुदीने का कहवा इस्तेमाल कर लेना है या पैरों को दबवा लेना है और अगर आपके पैर गर्म हों तो जिगर और गुदत के अंदर मरज़ है और सफरावी मिज की वजह से गर्मी की कसरत है तो उसके लिए आपने इलायची और सौंफ का कहवा पी लेना है या सादा पानी में कपड़ा गीला करके पूरे जिसम पर मले क्योंकि ऐसी कैफियत में पूरा जिसम भी गर्म हो सकता है अब मकदार खुराक कितनी होनी चाहिए लौंग दो अदद दार चीनी एक इंच का टुकड़ा अजवाइन आधी टी स्पून और पुदीने दस पत्ते पुदीना दस पत्ते सब्ज़ इलायची तीन अदद और सौंफ एक टी स्पून ये मकदार दो गिलास पानी की है जबकि इतना पका लें कि एक गिलास रह जाए या दो कप रह जाएँ इसमें गुड़ शक्र या शहद या चीनी शामिल करके इसको पी जाएँ एक कप और शिद्दत मरज़ के अंदर दोनों कप पी जाएँ अल्लाह का फजल वकर्म हो तो इन शाला तसे आपको इफाक़ा हो जाएगा और मकम्मल तौर पर इफाक़ा होगा दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इजाजत दीजिए शुक्रिया असलम वरम वरक